हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ गोरखपुर वाली चिड़ियाघर जो नई वाली बनी है उसकी ब्लॉग। और यहाँ हम लोग घूमने गए थे तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो डाल देती हूँ। तो यहाँ हम लोग जैसे ही एंट्री किए हैं अंदर, तो यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह बना हुआ है ना, वहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और फिर मैं और मेरा भाई और साथ में मेरी बेटी है और एक फ्रेंड है, तो बस हम पाँच लोग चिड़ियाघर में घूमने आए थे। तो ये देखिए बहुत बड़ा चिड़ियाघर लग रहा है और पार्किंग का भी ये जो स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था और साथ में बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये चिड़ियाघर, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। तो यहाँ पे एंट्री के लिए यहाँ पे जो मेन गेट के पास है ना, तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और भाई हमारा टिकट लाने जाएगा, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। तब तक हमारा बेटा यहाँ पे थोड़ी सी इधर उधर कर रहा है। तो ये देखिए मेरा बेटा भी काफ़ी खुश था। तो ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे खेल रहा है और अपने मामा का इंतज़ार कर रहा है कब वो टिकट लेकर आया और हम लोग अंदर जाएं, है ना। हाय माही। तो थोड़ी ही देर में मेरा भाई टिकट लेकर आ गया था और हम लोग अब जा रहे हैं अंदर, और अंदर जाने के बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो मुझसे जहाँ तक हो सका है मैंने रिकॉर्ड किया है, और क्या पता इधर उधर छूट भी गया होगा, है ना। और क्योंकि ये चिड़ियाघर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, है ना। तो ये देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं और अंदर यहाँ पे चिड़ियाघर जितनी भी बड़ी है या फिर इसकी एक झांकी बनी हुई है, ये देखिए ग्लास के अंदर, है ना। पूरा चिड़ियाघर का जो झांकी होता है वो इसमें है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कौन सा एनिमल्स कहाँ पर है ये वगैरह, है ना। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखिए अंदर आने के बाद फिर ये देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो आपने देखा ना, बाहर से अंदर तक का बहुत ही अच्छा सा लुक है इस चिड़ियाघर का। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर चिड़ियाघर जहाँ पे सारे पक्षी होंगे शायद। तो बस हम लोग जा रहे हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो रिक्शा होता है ना, आप उससे भी घूम सकते हैं। वहाँ पे देखिए खड़ा था एक रिक्शा, आप उस पर भी घूम सकते हैं। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और जबकि टाइम करीब 10 से 11 हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा था, है ना। हम लोगों का तो हालत ख़राब हो गया था गर्मी की वजह से। और ये देखिए मेरा बेटा और बेटी दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, लेकिन धूप की वजह से, है ना, थोड़ी सी मतलब हम लोग कम इन्जॉय कर पाए थे। और धूप की वजह से ही सारे जो पशु पक्षी थे सब अपने अपनी कुटिया में बैठे थे, है ना, वो जल्दी बाहर नहीं निकल रहे थे। तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं देखा और बस थोड़ा सा ही देखा, क्योंकि वो लोग बाहर निकले नहीं थे। अगर हम शाम के टाइम गए होते ना तो सारे एनिमल्स बाहर होते और हम लोग सारे एनिमल्स को देखते, लेकिन धूप की वजह से सारे एनिमल्स अंदर थे। बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही कम ये जो पशु पक्षी थे वो बाहर थे, मतलब धूप में। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग शाम के टाइम आए होते तो काफ़ी अच्छे से घूमते इस चिड़ियाघर को, और बच्चे लोग भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते, लेकिन धूप की वजह से सभी मतलब पशु पक्षी अंदर थे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस इस तरह से खाली खाली उनका सब दिख रहा था। तो बस ऐसे ही घूमा जा रहा था धूप में भी, और धूप के मारे तो सबकी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा धूप थी। और यहाँ पर देसी तोता भी था और यहाँ लव बर्ड्स, ये दोनों में ना बहुत सारे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा तोता, देसी तोता है ये, उतना क्लियर फ़ोटो नहीं आ पाया है। और यहाँ पे था लव बर्ड्स, तो ये देखिए, और फिर यहाँ पे है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था ये इस तोते को देखकर। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोग एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। लेकिन जो भी गोरखपुर वाले न्यू चिड़ियाघर मतलब ये चिड़ियाघर घूमना चाह रहे हो वो शाम के समय जाइए, बहुत ही अच्छे से आप चिड़ियाघर को घूम पाएंगे और सारे एनिमल्स वगैरह बाहर भी रहेंगे तो सारे एनिमल्स भी आपको दिखेंगे। लेकिन धूप में जाएंगे तो सब तो अंदर होते हैं ना, क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना, बस जाना भी बेकार से लगेगा। बस बहुत थोड़े सा आपको एनिमल्स पशु पक्षी जो भी हो आपको दिखेंगे। तो शाम के टाइम अगर जाएंगे तो सभी बाहर निकले रहेंगे अपने अपने कुटिया से। और ये देखिए बहुत बड़ा डक है यहाँ पे, और इसका नाम क्या था मैंने उसकी वीडियो बनाना भूल गई। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एक बड़ा सा डक दिख रहा है, और यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हैं। तो बस बहुत ही कम एनिमल्स पशु पक्षी जो थे वो बाहर थे, बाकी सब
अंदर थे ना, मतलब हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे धूप में, और धूप के मारे तो हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे ये भालू का घर है ना, भालू भी अंदर था, वो जो गोरिल्ला होता है ना, गोरिल्ला उसका था। और फिर जब हम लोग ये बीच वाले पार्ट्स में कुछ इस तरह का बना हुआ है, हम लोग वहाँ पे आए थे और फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी किया था। और उसके बाद हमने घूमना स्टार्ट किया था, क्योंकि ये चिड़ियाघर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो घूमने में थोड़ा टाइम लग रहा था। असली वाले जानवर तो जल्दी दिख नहीं रहे थे, तो मेरे दोनों बच्चे उस वो जो चिड़ियाघर में बने होते हैं ना नकली वाले, उसी से एंजॉय कर रहा था और दोनों फ़ोटो भी खिंचवा रहा था, उस पर चढ़ भी रहा था। और ये देखिए हिरन है यहाँ पे, हिरन भी धूप की वजह से सब ज़्यादा बाहर नहीं आ रहे थे, मतलब पास में नहीं थे। और तो वीडियो भी, ये मेरी बेटी बोर हो रही थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि इसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। और ये देखिए ये जो इस तरह की मूर्ति बनी होती है ना, इसी में सब लोग इन्जॉय कर रहा था। तो अभी मेरी बेटी भी ये देखिए इसके पास जाएगी, फिर वहाँ से होकर लौट आएगी। ये लोग असली वाले एनिमल्स से तो नहीं, लेकिन इस एनिमल से काफ़ी मज़ा ले रही थी, तो बस जा रही थी छूकर लौट रही थी, देख रही थी कि सच में ये असली वाली है या नकली वाली। तो मेरा बेटा भी जा रहा था इसे देखने के लिए, लेकिन फिर वो लौट आया आधे रास्ते से क्योंकि माँ ही आ गई थी। तो फिर चलिए जल्दी जल्दी सारे आपको इस एनिमल्स को देखे, वो जो साइड में है ना उधर सारे एनिमल्स वगैरह थे, लेकिन धूप की वजह से सारे एनिमल्स मतलब अपने अपने कुटिया में ही थे, तो मैंने उधर नहीं गया। और ये देखिए ये जो मूर्ति वाली बनी होती है, मेरे बच्चे दोनों इसी में एंजॉय कर रहा था तो मैं बस इसे ही देख रही थी। और फिर यहाँ पे हमारा ये जो आपको दिख रहा होगा टाइगर, इसमें भी हमें एक ही या दो टाइगर देखा था और बाकी सब पता नहीं कहाँ छुपे थे धूप की वजह से। तो बस इस तरह से हम लोगों ने घूमा, और धूप तो बहुत ही ज़्यादा था। जो सुबह जा रहे हो तो जल्दी जाए 10 बजे तक ही, और जिस दिन धूप कम हो उस दिन जाइए, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा। और ये देखिए मेरी बेटी, मतलब ये जो मूर्ति वाली होती है ना एनिमल्स वगैरह, उसी से ये लोग काफ़ी मतलब मस्ती कर रहे थे। और फिर माही जिद करने लगी थी इस पे चढ़ने के लिए, तो मेरे भाई ने थोड़ी देर के लिए इसे चढ़ा दिया था, उसके बाद फिर उतार दिया था नीचे। और फिर किट्टू भी उसे देखकर जिद करने लग गया था ऊपर चढ़ने, तो ये देखिए किट्टू को भी फ्रेंड्स ने ऊपर चढ़ा दी थी। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट हुई थी, और फिर हम लोग आगे चले थे। तो बस अब ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इधर साइड भी मगरमच्छ था और पता नहीं क्या क्या था, लेकिन धूप की वजह से सब कुछ अंदर था, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था, दरियाई घोड़ा वगैरह कुछ भी नहीं, बस पानी पानी ही दिख रहा था, है ना, कुछ भी नहीं दिखा मुझे। तो मैं तो बच्चों में ही रह गई, मतलब बच्चों को ही इधर उधर घुमाने में रह गई और कुछ देख ही नहीं पाई मैं। तो ये देखिए ये लोग ये जो मूर्ति वाले एनिमल्स थे उसी से काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था ये दोनों को। और अब हम लोग आ गए हैं सांप का घर, है ना, तो चलिए दिखाते हैं इसमें कौन कौन से सांप है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये देखिए कोने में दिख रहा है आपको, बहुत ही बड़ा सांप है, पर कोने में ना धूप की वजह से सटका है यार, कुछ भी नहीं देखने को मिला, ऐसा लग रहा था जैसे बेकार आ गई हूँ धूप में, कुछ भी नहीं दिखा। फिर लास्ट में हम लोगों ने होटल वोटल में खाया, वहाँ पे होटल नहीं है, मतलब हम लोग गोरखपुर मार्केट में आकर खाया हुआ। और उसके बाद ये मैं देखिए मेरा भाई गर्मी भी आके खा रहा है, इसे इतना तेज़ भूख लगा था। और हम लोग उधर से होटल से ही खाना लेकर आए थे, और फिर रोटी घर पर बना लिया था, उसके बाद ये इसने खाना खाया। और फिर अब दिखाते हैं आपको फ़ोटो, वहाँ पे हमने जो भी फ़ोटो खिंचाई थी वो फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी बहुत फ़ोटो है। तो ये देखिए हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट की थी, मतलब खुद की फ़ोटो खिंचवाई थी, और फिर बस आ गए थे हम लोग। मतलब धूप के वजह से कुछ भी मतलब उतना मज़ा नहीं ले पाया है, तो बहुत बड़ा ये चिड़ियाघर, घूमने अगर शाम के टाइम घूमने जाते ना तो ये चिड़ियाघर का मज़ा दुगना हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था ये चिड़ियाघर घूमकर। लेकिन सब धूप की वजह से फीका हो गया, मतलब धूप की वजह से कोई भी एनिमल्स बाहर नहीं निकला था, तो बस बेकार में हम लोग भी थक गए और कुछ दिखा भी नहीं।
तो बस हम लोग घूम घाम के आ गए, क्योंकि अब हमें गोरखपुर से दिव्यापुर जाना था। तो ये हमारा लास्ट टाइम था गोरखपुर में, और हम लोग उसके बाद दिव्यापुर आ गए थे। तो सोचा चलो धूप है तो क्या हुआ, चलो घुमाते हैं। अगर नहीं घूमे होते तो मुझे भी लग रहा होता कि अरे गोरखपुर वाली चिड़ियाघर पता नहीं कैसा था कैसा था, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने घूम लिया। तो भाई और फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, घूमा। और हस्बैंड जी उस समय दिव्यापुर में थे तो इसलिए वो नहीं घूमे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।